फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन गर्ल चैनल दृशा। जब वेडिंग सीजन आती है तब हम सोचते रहते हैं हमें ड्रेस चाहिए, मेकअप चाहिए, मैचिंग ऑर्नामेंट्स चाहिए और भी पता नहीं क्या क्या, और इन सारी चीज़ों में हमारे बहुत सारे मनी स्पेंड हो जाते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे हैक्स जिनसे आपकी बहुत सारी मनी सेव हो सकती है। तो अगर इनमें से कोई भी हैक्स आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हैक के लिए आपको चाहिए ब्रोकेट की शाइनी फैब्रिक। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पार्टी में जो ब्लाउज पहनने वाले हैं उसकी जो मटेरियल है उसे टेलर के पास से कलेक्ट कर सकते हैं। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वही प्रेफर करती हूँ। और फिर चाहिए पुरानी कोई भी बैंगल्स और ग्लू। बैंगल्स आप वही ले जो आप इन फ्यूचर और यूज नहीं करने वाले। अब फैब्रिक को कुछ इस तरीके से कट कर लीजिए और फिर बैंगल्स के ऊपर इस तरीके से ग्लू को अप्लाई करके स्प्रेड कर दीजिए। अब पहले से कटी हुई फैब्रिक की पीस को इस बैंगल के ऊपर धीरे धीरे टाइम लेके चिपका दे। अब एक्सेस फैब्रिक को कट कर ले और बैंगल्स के अंदर के साइड में भी ग्लू लगा ले और फैब्रिक को वहां पे सेट कर दे। ये बन गई ब्लाउज के साथ मैचिंग वाली बैंगल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैंने इस तरीके से दो बैंगल्स को बनाया है और आप इन बैंगल्स के साथ स्टोन की बैंगल्स या फिर आपकी पसंद की किसी भी बैंगल्स को पेयर अप कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग दिखेंगे और स्पेशली पार्टीज में सब लोग आपसे पूछेंगे कि आपने कहाँ से ये बैंगल्स लिया है। शादी के फंक्शन में जाने से पहले कभी कभी देखते हैं हमारे हेयर्स बहुत ही ज़्यादा फ्लैट लग रहे हैं और सोचते हैं शायद पार्लर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्लैट बालों में वॉल्यूम लाने के लिए आपको लेना है इस टाइप की एक ग्लास और फिर इस ग्लास में अपने हेयर्स को इस तरीके से रोल कर लीजिए और फिर क्लिप की मदद से सेट कर लीजिए। फिर आपके पास ड्रायर तो होगा ही, आपको बस ब्लो ड्राई करना है। इससे आपके फ्लैट बालों में आ जाएगी बहुत ही अच्छी सी वॉल्यूम। शादी में जाने से पहले एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क होती है मेरी, वो है क्या हेयर स्टाइल करूं। अगर आपकी भी सिचुएशन मेरी तरह है, ये हैक्स आपके बहुत काम आने वाली है। आपको बस किसी भी तरीके से एक सिंपल सा जूड़ा बनाना है। अगर आपको नहीं आता तो मम्मी को, दीदी को, किसी को भी बोलो, कोई भी बना देगा। और उसके बाद आपको चाहिए कुछ हेयर एक्सेसरीज। जो भी हेयर एक्सेसरीज आपके पास है उन्हें ही आप इस्तेमाल करें। हेयर एक्सेसरीज के वजह से आपकी हेयर स्टाइल की जो गेम है वो कम्प्लीटली चेंज हो सकती है। आप बिफोर एंड आफ्टर देख ही सकते हो। सिर्फ हेयर एक्सेसरीज ऐड करने से हेयर स्टाइल कितना ज़्यादा प्रीटी लग रहा है, जबकि ये कोई हेयर स्टाइल है ही नहीं। पार्टीज में डीप नेक वाली ब्लाउज पहनना किसे पसंद नहीं है, लेकिन अगर डीप नेक पहनने के बाद आपकी ब्रा स्ट्रैप्स दिखे तो इससे ज़्यादा एनोइंग कुछ हो नहीं सकता। तो इसीलिए आप अपनी एक पुरानी ब्रा ले ले और इसे इस तरीके से कट कर ले। आपको बस ब्रा कप्स को यूज करना है। अब ब्रा कप्स के ऊपर इस तरीके से आप फैब्रिक ग्लू लगा ले। अब इन कप्स को ब्लाउज के अंदर इस तरीके से सेट कर दे। ब्रा कप्स को इस तरीके से सेट होने के लिए आप इनके ऊपर कुछ वेट रख दे और मिनिमम 5 to 6 hours के लिए छोड़ दे ताकि ये अच्छे से सेट हो पाए। बस इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, आपकी ब्रा स्ट्रिप्स भी नहीं दिखेगी और साथ साथ आप कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल डीप नेक वाली ब्लाउज पहन सकते हैं। शादी में जाने के लिए तो बिल्कुल रेडी है। अब बैग कौन सी दे? ये मैच ही नहीं करता। अब क्या करें? आप पोटली ले लो, वो किसी भी इंडियन एथनिक के साथ मैच करता है। अब पोटली कैसे बनाएं? वो आप बहुत इजीली बना सकते हैं। इसके लिए आप एक फैब्रिक ले लें। आप फैब्रिक की कलर ऐसा चूज करें जो किसी भी ड्रेस के साथ मैच करता हो। मैं प्रेफर करती हूँ गोल्डन कलर यूज करना। इसके बाद आप इस तरीके से एक फैब्रिक का टुकड़ा कट कर लें। अब इसके दोनों पार्ट को ग्लू के मदद से चिपका दें। मैं ग्लू का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ ताकि कोई भी इसे इजीली बना सके। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप इसे स्टिच भी कर सकते हो।
इसे ग्लू से इस तरीके से अटैच करने के बाद इसे इस तरीके से फ्लिप कर दे। इसके बाद आप एक थ्रेड ले ले जिससे पोटली को आप ओपन या बंद कर सकते हो और पोटली के ऊपर के पार्ट में इस तरीके से ग्लू लगा ले और फिर दोनों कॉर्नर को इस तरीके से कट कर ले। अब थ्रेड को इसमें डाल के आप ग्लू से फैब्रिक को इस तरीके से चिपका दे। इससे हमारी पोटली की जो ऊपर की ओपन की पोर्शन है वो रेडी हो जाएगी। अब पोटली के नीचे के पोर्शन को हमें इस तरीके से स्टेपलर की मदद से सेट करना है। अब एक सर्कल कार्डबोर्ड लेके आपको फैब्रिक को मेजर करना है और उसके बाद इस तरीके से कट करना है। अब इस सर्कल के ऊपर ग्लू के मदद से हमें पोटली की जो नीचे की पार्ट है उसे अटैच करना है। अटैच करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा और इस पोर्शन को ढकने के लिए और साथ साथ पोटली के नीचे के पार्ट को हेवी करने के लिए आप एक सर्कल कार्डबोर्ड ले सकते हैं और उसे ग्लू के मदद से इसके साथ चिपका सकते हैं। इस कार्डबोर्ड को ढकने के लिए आप फैब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और बस बन गई हमारी पोटली। इसमें अपनी लिपस्टिक और मोबाइल को आप कैरी कर सकते हैं। ये पोटली लग रही है ना बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और इसे बनाना भी बहुत इजी है, तो आप भी अपना एक पोटली जरूर बना के रखना। वेडिंग्स में ब्राइट लिपस्टिक पहनना तो हम सभी को पसंद है, लेकिन अगर आपको परफेक्ट क्यूपिड बो चाहिए तो आपको ये ट्रिक फॉलो करना चाहिए। आपको बस इस तरीके का एक यू पिन लेना है और फिर उसमें अपनी लिक्विड लिपस्टिक को लगा लेना है और उसके बाद यू पिन को लिप्स में इस तरीके से प्लेस करके नीचे की तरफ ड्रैग करना है। इससे आप पा सकते हैं परफेक्ट क्यूपिड बो। है ना ये ट्रिक्स अमेजिंग? इससे आपकी जो लिपस्टिक है वो अमेजिंग दिखने वाली है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें कोई इयररिंग्स बहुत ज्यादा पसंद आ जाते हैं लेकिन उसके साथ मैचिंग मांग टीका और नेकलेस नहीं मिल पाता। अगर कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो आप उस इयररिंग्स की दो पेयर खरीद ले। अब दोनों पेयर में से एक पेयर को साइड में रख दें और दूसरे पेयर के एक इयररिंग्स को लें। इसके पीछे की जो पुश है उसे भी आप छोड़ दें और उसके बाद एक काले धागे को लेके इस इयररिंग्स में इस तरीके से नॉट बना लें। ये बन गई आपकी मांग टीका। अब एक क्लिप के साथ इस मांग टीका को सेट कर लें। इसके बाद आप एक बोथ साइड टेप लें और मांग टीका को इसके मदद से अच्छे से सेट कर लें। इससे आपकी मांग टीका बिल्कुल नहीं हिलेगी। अभी दूसरा जो इयररिंग्स है उसमें मैं एक गोल्डन कलर की चेन को इस तरीके से सेट कर रही हूँ। इससे बन गई हमारी ब्यूटीफुल सी पेंडेंट वाली नेकलेस। ये बन गया सिर्फ दो पेयर इयररिंग से बनाया हुआ कंप्लीट ज्वेलरी सेट। है ना बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल? शादी में जाने के लिए सब कुछ मैचिंग तो रेडी कर लिया है, लेकिन मैचिंग इयररिंग्स ही नहीं है, इसके लिए भी कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले जो इयररिंग्स आपको पहनना है उन्हें ले लें और उसके बाद अपनी कंप्लीट इयररिंग्स कलेक्शन में ऐसे इयररिंग्स को ढूंढें जिसका कलर आपके ड्रेस के साथ मैच करता हो। मेरे इयररिंग्स कलेक्शन में इस इयररिंग्स की टासल मेरे साड़ी के साथ मैच करती है, तो मैं इनके टासल्स को सेपरेट कर दूंगी। अब इन टासल्स को मैं अपनी पसंद की इयररिंग्स के साथ सेट कर लूंगी। बस ये बन गए मेरे मैचिंग इयररिंग्स। कितने ब्यूटीफुल है ना ये, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। स्पेशली इन टासल्स को ऐड करने के बाद ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ट्विगी ने क्या बोला, कुछ समझ में आया? ट्विगी ने ये बोला, मम्मी इस वीडियो का एंड करना भूल गई, तो इसके लिए मैं बोलती हूँ टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ ढेर सारा लाइक करना। ट्विगी और एक बार बोल दोगी? और एक बार नहीं, अभी के लिए नहीं। ओके ट्विगी की तरफ से और एक बार बाय बाय कर देते हैं हम दोनों एक साथ। मटर भी दी बाय बाय बोल दो एक बार बाय बाय बाय।
हाँ ट्विगी भी शायद हैंड को मूव कर दिए। बाय बाय।